और उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मौसम विज्ञान के साथ सोमवार को 5 साल के लिए MOU साइन किया है। आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा का कहना है कि बारिश की सटीक जानकारी के लिए प्रदेश में कम्पैक्ट राडार लगाया जाएगा, जिससे बादल फटने और भारी बारिश होने की जानकारी स्थानीय लोगों को मिल सकेगी। साथ ही उन्होंने बताया है कि यात्रा मार्गों पर भी हाई टेक्नोलॉजी के सिस्टम को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। MOU एक पार्टनरशिप है IMD और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और IMD के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनके पास, जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। IMD को पूरे देश को देखना है। वेदर फोरकास्ट की अभी की अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी 8 से 10 दिन तो कोई सिस्टम है नहीं, तो ऐसे जैसे चल रहा है ड्राई रहने वाला है, और जो दिन और रात के तापमान में उसमें थोड़ा अंतर अभी ज़्यादा है। मैं कहूँगा प्लेन्स में खास करो 20 डिग्री 22 डिग्री तक इस तरह का चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो जो बच्चों के लिए या थोड़े एजड जो लोग हैं उनके लिए सर्दी से इस समय बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो बॉडी आपके एकदम जो है उसको आप देखेंगे जैसे हार्ट अटैक्स है, तो इस तरह की जो चीज़ें वो बढ़ती हैं इस समय जो है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है जो सुबह शाम है खासकर जो है तो गर्म कपड़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और ठंड से जो है पूरी तरह से बचने की कोशिश